हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्पीस्ट रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाल की सब्जी। गुजराती शादियों में मिलने वाली वाल की सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया है वाल। तो वाल एक्चुअली बहुत ही हाई प्रोटीन ग्रेन है, जिसमें से हमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप भी करता है और स्टेबल भी रखता है। तो फ्रेंड्स, ये है रंगूनी वाल जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसका टेस्ट ऑलमोस्ट राजमा जैसा लगता है। तो ये मैंने वाल लिया है, एक कप जितना वाल लिया है और उसे मैंने 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया है। 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद बहुत ही हार्ड रहता है वाल, भिगोने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें प्रेशर कुक करना है, और प्रेशर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया है वाल। तो हमें ऐसा ही वाल चाहिए, एकदम सॉफ्ट। प्रेशर कुक करने टाइम पे हमें इसके अंदर नमक ऐड करना है, 1 चम्मच जितना मैंने नमक ऐड किया है, और पानी के साथ प्रेशर कुक किया है, जिसे मैंने 6 से 8 विसल तक प्रेशर कुक किया है। बाकी के सारे मसाले में लेना है धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा है, कटा हुआ हरा धनिया है, ये है गुड़ और इमली का पानी। गुड़ लिया है मैंने 2 चम्मच और 1 चम्मच जितना इमली लिया है, और उसे मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था ताकि इमली और गुड़ एक साथ मिल जाए पानी में और अच्छे से फूल जाए। तो इसका पल्प हम यूज करेंगे पानी के साथ। और साथ में लिया है 2 चम्मच जितना बेसन, 1/2 चम्मच जितना सॉल्ट लेना है, 1 चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट लेना है। लहसुन की रेड मिर्ची के साथ मैंने कुटी हुई चटनी है वो है, और उसके साथ लेना है 6 से 7 लविंग और थोड़े से तज। एक कढ़ाई में हमें सबसे पहले ऐड करना है ऑयल। अराउंड 4 से 5 चम्मच ऑयल हमें इसमें लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर जो है वो आना चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगेगा। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर ऐड करेंगे हम हींग। जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होता है उसके अंदर ऐड कर देंगे हम जीरा, अराउंड 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करेंगे, राई ऐड कर अरे सॉरी हींग ऐड करेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे हम लौंग, दालचीनी और रेड चिली के साथ कुटी हुई लहसुन की चटनी। जब भी ऑयल बहुत गर्म ना हो तभी हमें रेड चिली की चटनी ऐड करनी है। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ऐड कर देंगे हम बेसन, और बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बबल्स आने लगे हैं और बेसन भी अच्छे से भून गया है। अराउंड 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेसन को भूनने में। तो उसके बाद हम ऐड कर देते हैं वाल। वाल और पानी दोनों साथ ही में ऐड कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अभी हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। बहुत ही चटपट से बन जाती है ये सब्जी। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैं 2 से 2.5 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। धनिया जीरा पाउडर है 2 चम्मच जितना, छोटा चम्मच है मेरा इसलिए मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड करेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी बॉइलिंग के टाइम पे नमक ऐड किया हुआ है। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से बॉईल आने देंगे। जैसे ही बॉईल आएगा तो बेसन के साथ ये मिक्स होगा पानी, और पकेगा तो वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, उबाल आने लगा है पानी में, और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे जब तक कि ऊपर से जो ऑयल है वो रिलीज नहीं हो जाता तब।
ऐसे ही हमें 5 से 7 मिनट तक उबालना है, जब तक कि ऊपर ऑयल रिलीज ना हो जाए। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल दिख रहा है, लेकिन और भी उबलेगा तो अच्छे से हमारा ऑयल जो है वो रिलीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अराउंड 5 मिनट हो गई है। अभी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं गुड़ और इमली का पानी। गुड़ और इमली का पानी ऐड करेंगे और वापस इसे 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। पानी खाली यूज नहीं करना है, हमें पूरा इमली का पल्प भी यूज करना है। तो अच्छे से इसे छान लें और जो इमली का पल्प है वो भी हम ऐड कर देंगे सब्जी में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं उसका जो रस्सा है वो भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और बस हमें गैस को टर्न ऑफ करना है और लास्ट में हम गार्निश करेंगे धनिया से। बहुत सारा धनिया हम डालेंगे इसके अंदर और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है हमारी गुजराती रंगूनी वाल की सब्जी। बहुत ही टेस्टी, खट्टी, मीठी और एकदम ही लाजवाब। इसे हम रोटी के साथ और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर बनाइएगा और प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।